वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन एक तरफ समस्याओं को लेकर विभाग को लेटर लिखता है, लेकिन लेटर लिखने के बाद भी जिम्मेदार विभाग इसका संज्ञान नहीं लेता। वहीं प्राइम टीवी जब अवध बस अड्डे पहुंचा तो वहां पर छतों से पानी टपकता नजर आने लगा। बस अड्डे पर एआरएम कार्यालय की बात की जाए तो उसके बाहर भी पानी टपकता हुआ नजर आ रहा था। इस मामले पर जब एआरएम से बातचीत की गई तो उन्होंने जिम्मेदार विभाग पर ठीकरा फोड़ दिया। एआरएम का कहना है कि पानी टपकने को लेकर एलडीए को साल भर से लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन उनकी ओर से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 2023 से ही एलडीए को पत्र लिखे जा रहे हैं, इस पर अनेकों बार पत्राचार हुआ है, लेकिन इस पर अभी एलडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। समस्या तो जटिल है, पानी हमारे ऑफिस के गेट के सामने भी गिर रहा है, पूरा लगातार छत से पानी टपक। जल निकासी की बात की जाए तो जल निकासी भी यहाँ पर नहीं देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि पैसेंजर को आने में दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। नहीं, जल निकासी की तो समस्या नहीं है हमारे परिसर में, पानी तो निकल जाता है, केवल ये छत टपकने की समस्या। लखनऊ के कमता का बस स्टैंड जो कि अवध बस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अगर हम एआरएम ऑफिस की बात करें तो एआरएम ऑफिस के बाहर की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो जल की बात किया, जो पानी टपकने की बातें की जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यात्री पहुँचते हैं, यात्री भी कभी कहीं ना कहीं इन समस्याओं का को झेलते हैं। लेकिन अगर पानी की बात की जाए, जहाँ पर पीने का पानी लगा हुआ है वहाँ की भी अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो पीने के पानी के ऊपर की भी जो तस्वीर देखेंगे, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर से भी जो पानी है वो टपकता हुआ नजर आएगा। और इस मामले को लेकर के जब खबर की गई तो जो यहाँ के एआरएम थे उनसे भी बातचीत की गई तो एआरएम का साफ तौर से इस मामले में कहना है कि उनके द्वारा एलडीए को लगातार साल 2023 से रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन एलडीए इस मामले में किसी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। और संज्ञान लेने की बात की जाए, जिस तरीके से जो छतें पड़ी हुई हैं वहाँ से जो पानी का जो रिसाव है, रिसाव के बीच अगर नीचे यात्रियों के बैठने की बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।